हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। आज भी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में। है सो फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आप अपने फोन में अप्लाई करते हो अपने फोन के सेटिंग से, तो वही पुराना एनिमेशन आप लोग को देखने को मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ नए एनिमेशन के बारे में। आप लोग अपने फोन में लगाओगे तो आपका फोन का एनिमेशन वगैरह जब फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट का एनिमेशन देखने में अच्छा लगेगा, जो कि आपके फोन में एनिमेशन पुराने मिल जाते हैं। यहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा न्यू एनिमेशन को अप्लाई करने के बारे में, जो कि आप अपने वीवो के B23 फोन में अप्लाई कर सकते हो एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पर। जो कि यहां पर मैं आप लोग को कुछ डेमो दिखाता हूं, मैंने अपने फोन में अप्लाई किया है और मैंने यहां पर लॉक किया, आप लोग लॉक करके देख सकते हो यहां पर। तो मेरे फिंगरप्रिंट एनिमेशन देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आ रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ रहा है। तो इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आप चाहते हो अपने वीवो के B23 फोन में लगाना, तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही फिंगरप्रिंट एनिमेशन को लगा पाओगे। तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में, जो कि आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाते हो अप्लाई करने फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो आपके फोन में पुराना से पुराना ही फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन आप लोग डेमो में देख चुके होंगे कि जो कि मैंने अपने फोन में अप्लाई किया है वीवो के B23 फोन में, तो यहां पर जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ अच्छे लग रहे हैं और न्यू एनिमेशन है। तो यहां पर आप लोग को चल के बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है एंड कहां से आपको ये एनिमेशन मिलेगा। तो यहां पे आपको अपनी आपके फोन के सेटिंग के अंदर नहीं मिलेगा, ना ही कोई अपडेट के साथ फिंगरप्रिंट ऐड किया गया है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐप के जरिए आप लोग कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट का एनिमेशन अप्लाई, एंड कैसे होगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो यहां पर आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आसान होगा। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जैसे कि मैंने सर्च कर रखा है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो ये वाला एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। अब इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया है, इसे ट्राई भी किया है, फिर आपके लिए यहां पर वीडियो बना रहा हूं। तो आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। तो ऐड को स्किप करना है यहां से, और स्किप मैं कर लेता हूं। स्किप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि मैंने पहले से ओपन किया। तो आपके पास कुछ स्टार्ट कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप स्टार्ट कंटिन्यू पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपके पास फिंगरप्रिंट एनिमेशन बहुत सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। यहां पर डेमो में दिखाया गया, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जो कि लाइव एनिमेशन है, तो आप भी अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर वीवो का फोन है आपके पास, जो कि आप यूज कर रहे हो वीवो का B23, आपके फोन में पुराना फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो यहां से आप न्यू एनिमेशन को लगा सकते हो। और यहां पर देख रहा होगा थीम्स वाला, यहां पर एनिमेशन दिख रहा होगा, तो एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सभी एनिमेशन शो हो जाएंगे। अब यहां से मैं कुछ और अलग एनिमेशन लगाकर आपको दिखाने वाला हूं सेट करके। तो मेरे पास फोन है यहां पर वीवो का B23 फोन, आप लोग देख सकते हो, और यहां पर देख सकते हो मैं एनिमेशन को अप्लाई करने वाला हूं। एनिमेशन यहां पर देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो यहां पर एक एनिमेशन हम लगाकर आपको दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने फोन में लगा सकते हो जो आपको बेटर लगे। अब मेरे पास यहां पर एनिमेशन बहुत सारे हैं, तो यहां से मैं कुछ अच्छा एनिमेशन आपको लगा के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी वही एनिमेशन पसंद कर सको और अपने फोन में अप्लाई कर लो। तो यहां पर देख सकते हो एनिमेशन तो मेरे फोन में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, यहां पर जो भी एनिमेशन है बेटर लग रहा है, ये वाला एनिमेशन मैं देख सकता हूं, ये वाला एनिमेशन मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इसी तरीके से आप भी कर लेना, ओके पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर वॉलपेपर अपने आप एनिमेशन पे लगा देगा। तो यहां पर जो वॉलपेपर आपको सेट करना है, ये वाला मेरे को अच्छा लगता है। अब यहां पर हमारे पास एड आ चुका है, तो एड को स्किप करना है, चूंकि फ्री एप्लीकेशन है तो आपको एड आएगा ही, तो एड को स्किप करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरीके का डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको।
आपको, यहां पर आपको सेट कर लेना है और यहां पर आपको सेट कंटिन्यू का ऑप्शन है। आप यहां पर एडजस्टमेंट 74 पे कर लेना नीचे वाले से, उसके बाद ऊपर से आपको कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट 74 पे अगर कर लोगे तो आपका फिंगरप्रिंट के बीचों बीच आ जाएगा। तो यहां पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये आपके फोन में इस तरीके से प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके पास एक ऐड आएगा, तो मैं यहां पर वेट कर लेता हूं। फिर यहां पर देख सकते हो ऐड आ चुका है। ऐड आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर स्किप कर लेना है। स्किप कर लेते हैं और यहां पर देखोगे तो यहां पर स्टार्ट जो कि लिखा हुआ है सेट एनिमेशन, सॉरी दोस्तों मैंने बोल दिया स्टार्ट, यहां पर सेट एनिमेशन लिखा हुआ है, क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरीके से आप सेटिंग से करते हो उस तरीके से यहां पे भी कर सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करना है, यहां पर सेट तो लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है एंड इस आपके फोन में सेट हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो मेरे फोन पे सेट नहीं हुआ है, कुछ प्रोसेस कुछ यहां पर दिक्कत हो रही है, तो यहां पर सेट नहीं हुआ है। तो यहां पर आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे अपने फोन में तो आपका सेट हो जाएगा, जो कि मैं यहां पर एक सेट कर रखा हूं और मैं यहां पर दूसरा वाला सेट कर रहा हूं, तो यहां पर कुछ दिक्कत हो रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वॉलपेपर को चेंज करूंगा। अभी इस वाले फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे फिर से और यहां पर ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला वॉलपेपर दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर देखोगे तो मैं इसमें से कोई और वॉलपेपर लूंगा, आप भी ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये वाला हम ले लिए और ऐड आ चुका है। ऐड आने के बाद हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो मैं यहां से स्किप करता हूं और स्किप करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ऐड आएगा, तो ऐड को स्किप कर लेना है आपको। यहां पर देख सकते हो ऐड आ चुका है, तो स्किप करना है ऐड को। अब यहां पर हमने ऐड को स्किप कर दिए हैं। स्किप करने के बाद हमारे पास जो कि सेट एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई और यहां पर हम सेट कर देंगे, सक्सेसफुल हो चुका, आप लोग देख सकते हो नीचे, और यहां पर वॉलपेपर हमारे फोन पे सेट नहीं हुआ है। अब यहां पर देखोगे तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस तरीके का आ रहा, आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पर एनिमेशन आ चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने जो एनिमेशन को लगाया यहां पर आ चुका, आप लोग को दिख रहा होगा, देख सकते हो वॉलपेपर नहीं चेंज हुआ लेकिन एनिमेशन चेंज हो चुका होगा, आप लोग को दिख रहा होगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका एनिमेशन आपके फोन में वॉलपेपर के ऊपर सेट हो जाएगा एंड फिंगरप्रिंट पे आपका सेट हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोग को सेट करके दिखाया है। और अगर आपके फोन में लगाना चाहते हो अच्छे अच्छे एनिमेशन तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, जो कि ट्राई किया मैंने और अच्छे से वर्क भी करता है एंड आप इन फिंगरप्रिंट एनिमेशन को लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत। बाबा दोस्तों।